नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, महिंद्रा की सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एसयूवी की बात करें तो स्कॉर्पियो का नाम टॉप पर आता है। हालांकि अभी तक तो इसमें सिर्फ क्लासिक ही थी, लेकिन पिछले साल स्कॉर्पियो एन के लॉन्च होने के बाद इसका भी उतना ही भौकाल बना हुआ है और लोग इस एसयूवी को भी उतना ही पसंद कर रहे हैं। अब वैसे तो दोनों गाड़ियों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इनका ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल अलग है। किसी को पुरानी वाली ज्यादा अच्छी लगती है और किसी को नई वाली। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी की तो उसमें भी काफी डिफरेंस है। जहां क्लासिक को ग्लोबल एनकैप में 0 स्टार्स मिले हैं, वहीं एन कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स के साथ 5 स्टार रेटेड एसयूवी है। और आज मैं आपको इन्हीं दोनों गाड़ियों का एक छोटा सा एक्सीडेंट दिखाने वाला हूं, जिसे बिहार से मिस्टर सत्या ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली बिहार के नासरीगंज में किसी जगह पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉर्पियो एन को रोड के साइड में पार्क किया गया था, तभी पीछे से क्लासिक आई और सीधा एन के बैक साइड में घुस गई। यहां पर बताया जा रहा कि क्लासिक की स्पीड करीब 80 किलोमीटर पर आर के आसपास थी। हालांकि ये अनकंट्रोल कैसे हुई वो नहीं पता। हो सकता है सामने से किसी गाड़ी के आ जाने की वजह से ऐसा हुआ हो, क्योंकि रोड काफी पतली है। एन के पार्क होने के बाद दो गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती। खैर, जो भी हो, टक्कर ज्यादा जबरदस्त नहीं हुआ। लड़ने से पहले काफी हद तक गाड़ी को कंट्रोल कर लिया गया था। हालांकि फिर भी नुकसान काम भर का आ गया है। फोटो में आप देख सकते हैं, इंपैक्ट से क्लासिक का बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, ग्रिल वगैरह मुड़कर डैमेज हो गया है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्पियो एन की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा। एसयूवी का टेल गेट सिर्फ थोड़ा बहुत अंदर घुस गया है और माइनर स्क्रैचेस आ गए हैं, बाकी कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तो भाई, यहाँ पर दोनों भाइयों ने आपस में ही क्रैश टेस्ट कर लिया। हालांकि बड़े भाई को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ गया है। ऐसा लग रहा है इसको ग्लोबल एनकैप वालों पर भरोसा नहीं था। खैर, एन का परफॉर्मेंस अच्छा था, इसको बेहतरीन मजबूती दी गई है। इसका जगह कोई और गाड़ी होती तो नो डाउट बूट अंदर घुस गया होता। आपको इस पर क्या लगता है और इन दोनों एसयूवीज में से आपकी फेवरेट कौन सी है, कॉमेंट में बताइए। बाकी गाड़ी को रोड से थोड़ा हट कर पार्क करें तो ज्यादा अच्छा होगा।